दुनिया में एक से एक घटनाएं होती हैं। कई घटनाएं जहां बेहद सामान्य होती हैं, तो कुछ घटना बेहद चौंकाने वाली होती हैं। आज हम आपको दुनिया भर की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद रहस्यमय मानी जाती हैं। इनमें से कई घटनाएं ऐसी हैं जिसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी किए गए, लेकिन ठीक ठीक कारण पता नहीं चल सका। हालांकि यह अपने आप में अजीबोगरीब है, लेकिन साइंस की तरक्की के बावजूद कई घटनाओं पर से अभी पर्दा नहीं उठ सका है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को भी दबा दो, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। लटकती हुई लाश। कपूर फैमिली ने 1950 के आसपास टेक्सास में एक पुराना घर खरीदा। उस घर में पहली रात जश्न मनाने के दौरान उनके पिता ने परिवार की फोटो ली। इस फोटो में दो बच्चे अपनी माँ और दादी की गोद में बैठे हुए हैं। इस फोटो के डेवलप होने के बाद पूरा परिवार ही आतंकित हो गया, क्योंकि फोटो में परिवार के साथ ही एक लटकती हुई लाश भी दिखाई दे रही थी। दावा किया गया कि फोटो लेने के वक्त वहाँ ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि संभव है कि नेगेटिव के साथ छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन कपूर फैमिली ने इसे इनकार किया। बाद में फोटो की सच्चाई जानने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन यह अब भी रहस्यमय बनी हुई है। हेस्डालेन घाटी की रहस्यमय रोशनियां। नॉर्वे के होल्टेन में हेस्डालेन घाटी के आकाश में अक्सर देखी जाने वाली रोशनी एक अबूझ पहेली की तरह है। ज्यादातर यह रहस्यमय रोशनी चमकदार सफेद, पीले या लाल रंगों में एक घंटे से अधिक देर तक दिखाई देती है। यह रोशनी तेजी से कभी धीमे हवा में तैरती है तो कभी एक ही जगह ठहर सी जाती है। इस तरह की घटना केवल नॉर्वे में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे भागों में भी 1940 के बाद से खबरों में आती रही है। इसके कारणों को जानने की काफी कोशिश की गई पर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। सोलवे फर्थ का एस्ट्रोनॉट। यह फोटो 1964 में जिम टेम्पलेटन नाम के एक फोटोग्राफर और स्थानीय इतिहासकार ने ली थी। वे अपनी बेटी को इंग्लैंड के कैम्ब्रिया के इस इलाके में सोलवे फर्थ ले गए थे। फोटोज को डेवलप करने पर उन्हें एक फोटो में एस्ट्रोनॉट जैसी आकृति दिखाई दी। जिम ने यह दावा किया था कि फोटो लेने के दौरान उनकी बेटी के पीछे कोई नहीं था। इस फोटो को लेकर काफी बहस भी हुई थी, इसलिए इसे अक्सर रहस्यमय घटनाओं की लिस्ट में शामिल किया जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया समुद्र तटों के कटे हुए पैर। 20 अगस्त 2007 को सैली सागर के समुद्री तटों पर कई कटे हुए इंसानों के पैर पाए गए। इनमें से कुछ की ही पहचान हो सकी। अनुमान लगाया गया कि ये पैर किसी बोटिंग एक्सीडेंट या समुद्र में हुए फ्लाइंग क्रैश में मारे गए लोगों के हो सकते हैं। दूसरा, ये क्वाडा आइसलैंड के फ्लाइंग क्रैश में मारे गए चार लोगों के पैर भी हो सकते हैं। पैरों पर किसी तरह के निशान नहीं पाए गए, पर मर्डर और टॉर्चर के बाद की गई हत्या से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 26 दिसंबर 2004 को एशिया में आई सुनामी से भी इसे जोड़ा गया, लेकिन यह पैर आज भी रहस्य बने हुए हैं। आसमानी बिजली का रहस्य। 1638 को सेंट फ्रेकांस के एक चर्च को एक जोरदार आंधी का सामना करना पड़ा। इस दौरान चर्च से एक आसमानी बिजली टकराई थी। दोपहर का समय होने के कारण चर्च प्रार्थना करने वाले 300 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। चार लोग इसमें मारे गए, 60 बुरी तरह घायल हुए और बिल्डिंग भी तहस नहस हो गई। इन घटना के पहले अजीब अंधेरा छा गया था। तेज रोशनी चर्च और उसमें बैठे लोगों को नुकसान पहुंचाकर वापस चली गई। threechess.com के मुताबिक स्थानीय लोगों ने दावा किया था कि एक शैतान ने जुआरियों के बुलाने पर इस घटना को अंजाम दिया था। असल में क्या हुआ था इसे लेकर आज भी अटकलें ही लगाई जा रही हैं। कई रिसर्चरों ने इस घटना के तह में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कुछ हाथ नहीं लगा। ब्लैक दाहिला मर्डर केस। लॉस एंजलिस के सबसे पुराने अनसुलझे मर्डर केसों में से एक है। अमेरिका में रहने वाली एलिजाबेथ शॉर्ट को ब्लैक दाहिला नाम दिया गया था। 15 जनवरी 1947 उसकी हत्या हो गई थी। शॉर्ट की लाश कमर से आधी कटी हुई थी और शरीर के कई अंगों पर घाव थे। उसका मुंह कान तक चीरा हुआ था
चौंकाने वाली बात यह थी कि तकरीबन 60 लोगों ने इस हत्या का जुर्म कबूला था, जिनमें से ज्यादातर मर्द थे, पर इनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। यह अपने समय का चर्चित केस रहा था और इस पर द ब्लू दाहिला नाम की फिल्म भी बन चुकी है। लैम की विचित्र हालतों में मौत। 21 साल की एलिसा लैम ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी वैंकूवर में एक स्टूडेंट थी। 19 फरवरी 2013 को उसकी लाश डाउनटाउन के सेंसिल हॉस्टल के ऊपर वाटर टैंक में पाई गई। कर्मचारियों ने होटल के मेहमानों के पानी में बदबू आने की शिकायत के बाद टैंक की जांच की थी। सीसीटीवी की जांच में लैम को लिफ्ट से ऊपर जाते देखा गया था, जो शायद ठीक से काम नहीं कर रही थी। फुटेज में उसे खुद से या किसी और से या किसी अदृश्य चीज से बात करते देखा गया। वह बहुत परेशान लग रही थी। वीडियो के वायरल होने के बाद किसी ने लैम को मानसिक रोगी कहा, किसी ने वीडियो से छेड़छाड़ की बात कही, लेकिन यह केस सुलझाया नहीं जा सका। हालांकि इस घटना से प्रेरित कई फिल्में बन चुकी हैं। हिंटर कैफे फार्म स्टैंड का हत्याकांड। हिंटर कैफे जर्मनी के म्यूनिख से 70 किलोमीटर दूर स्थित जगह है। जर्मनी के इतिहास में इस इलाके को सबसे विचित्र आपराधिक घटनाओं के लिए जाना जाता है। 31 मार्च 1922 को वहां रहने वाले 6 किसानों की एक कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में एंड्रियास गुरबेर, उसकी पत्नी केजिला, उसकी विधवा बेटी विक्टोरिया और उसके 2 बच्चे और उनकी मेड थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कही जाती है कि घटना के कुछ दिन पहले ही एंड्रियास ने अपने पड़ोसियों से बर पर कुछ पैरों के निशान होने की बात कही थी। घटना के 6 महीने पहले वहां काम कर रही एक मैड ने भी उस जगह को भूतहा बताया था और वह बहुत डरी हुई थी। हत्या के पीछे की असल गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी है। लोस झील का एक दैत्य। माना जाता है कि स्कॉटलैंड की लोस झील के दैत्य का रहस्य झील में ही छिपा हुआ है। यह रहस्य 1933 में पहली बार तब सामने आया जब लोगों ने झील में एक दैत्यकार जीव को देखा था। हालांकि कुछ रिपोर्टों में इसे डायनासोर प्रजाति का एक विलुप्त जीव प्लेसोसर माना जाता रहा है, जो गहरे पानी में रहता है और कम ही सतह पर आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।